मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ। पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग समझिए ना, डेली मेरे साथ 10 चैप्टर सोल्व कीजिएगा, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का, सिर्फ संडे को छोड़ करके। संडे को क्लास ऑफ रहता है। आइए आज का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। अच्छा, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, दर निकालना है। क्या बोल रहा है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। आप समझिएगा, साधारण ब्याज जो है, पहले क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज लिखा हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप आराम से समझिएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। मतलब पहले साधारण ब्याज दिया हुआ है ना, 16/25 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देखिए, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। पहले साधारण ब्याज लिखा हुआ है, मतलब समझिए पहला वाला साधारण ब्याज है। पहला वाला क्या है, साधारण ब्याज, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पहले साधारण ब्याज दिया हुआ है। बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ठीक है। पहले बोला है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, मतलब पहला है साधारण ब्याज और दूसरा क्या है, मूलधन, क्या दूसरा में मूलधन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। पहले साधारण ब्याज लिखा हुआ है तो पहला वाला ऊपर वाला हो जाएगा साधारण ब्याज और मूलधन का 16/25 है, मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 25। समझ गया, पहले जो बोलेगा वही ऊपर वाला होगा। बोला तो साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो साधारण ब्याज पहले है तो पहले हो जाएगा 16 साधारण ब्याज और मूलधन हो जाएगा 25। और क्या बोल रहा है आगे, तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। अच्छा, ब्याज की जो दर है ना, दर बोले तो रेट, दर और टाइम जो है समय दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। दर और समय दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो पूछ रहा है दर क्या होगा प्रतिशत में, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 था, 16 हो गया साधारण ब्याज, मूलधन हो गया 25, और दर और समय बोला ना दोनों बराबर है, ठीक है, तो दर पूछ रहा है क्या है। अब देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ब्याज बराबर, बहुत आसान फॉर्मूला है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, बोले तो पी प्रिंसिपल मूलधन इंटू दर, रेट इंटू टाइम समय बटे 100, बस इतना सा का ही खेल है। परसेंटेज ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, पी बोले तो प्रिंसिपल मूलधन, रेट दर, टी टाइम, पी गुना आर गुना टी बटे 100। आप देखिए तो परसेंटेज ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 16, ब्याज की जगह में कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है बराबर, पी कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन दिया हुआ 25, मूलधन कितना दिया हुआ है 25। अब देखिए आप, और रेट और टाइम, रेट और टाइम तो दोनों बोल रहा है बराबर है, तो दोनों को हम लोग एक से एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत, रेट और टाइम दोनों बोल रहा है बराबर है, तो दर आपको पूछा है कि क्या होगा, जबकि ये दोनों क्या है, रेट और रेट, दर और समय बराबर है, तो दोनों को रेट और टाइम को एक से एक मान लिया बटे 100, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 25 से काटे, 25 चौका 100, ऊपर नीचे कट जाएगा 25 चौका 100। अब देखिए तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये एक सर एक नीचे कुछ नहीं तो एक है, इधर एक से गुना हो जाएगा, एक से एक कितना हो जाएगा, एक से स्क्वायर हो जाएगा बराबर, 16 और 4 गुना हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64। अब एक स्क्वायर बराबर 64 आ गया, 64 आ गया एक स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट 64 होगा, स्क्वायर आएगा हटेगा तो इधर आके रूट में हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वर्ग रूट 64 का मान कितना होगा 8, रूट 64 का मान कितना हो जाएगा 8, एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया, मतलब रेट और टाइम जो है दोनों 8-8 है, रेट और टाइम जो दोनों है वो, समय भी 8 साल है और दर भी कितना है 8% है, तो हम लोग क्या पूछ रहा था आंसर में, रेट पूछ रहा था, रेट ही पूछ रहा था, जबकि दोनों बोल रहा था क्या कि दर और समय बराबर। यहाँ देखिए एक्स का मान आया, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 64 तो एक्स का मान आया 8, मतलब एक्स एक्स किसको मानते हैं, रेट और टाइम को, मतलब 8-8 है दोनों, ठीक है। रेट पूछ रहा तो दर कितना होगा 8, किस ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन में है 8, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़का 300 मीटर चौड़ी एक सड़क को
30 सेकेंड में पार कर लेता है, उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है? ठीक है, किसमें बताना है? किलोमीटर पर घंटा में बताना है। देखिए हम आपको पिछले सब क्लास में बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। यदि आपको किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ रहे और आपको निकालने बोले मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे आप कीजिएगा? और यदि मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहे और आपको किलोमीटर पर घंटा में पूछे तो क्या कीजिएगा? देखिए, यदि किलोमीटर पर घंटा में दिया रहेगा, मीटर पर सेकेंड में दिया पूछेगा तो क्या कीजिएगा ना, 5/18 से गुना कीजिएगा। ठीक है, अब बड़का से देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, अब बड़का से छोटका में जाइएगा ना तो छोटका से गुना। ये बड़का है किलोमीटर पर घंटा, बड़का है, और मीटर पर सेकेंड छोटका है, तो बड़का से छोटका में जाइएगा ना तो छोटके से गुना। और जब छोटका से बड़का में जाइएगा ना, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाइएगा, छोटका से बड़का में जाइएगा तो बड़का से गुना। बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका से गुना, और छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का से गुना। बोले तो छोटका मतलब 5/18 और बड़का मतलब 18/5। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या करा। एक लड़का 300 मीटर चौड़ी एक सड़क को। अच्छा देखिए, सीधा देखिए, सिंपल सा, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर सब लोग जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, 300 मीटर चौड़ी एक सड़क को 3 सेकेंड में पार करता है। अब देखिए दूरी कितना है, 300 मीटर चौड़ी सड़क को, दूरी कितना है 300 मीटर चौड़ी सड़क को, समय कितना 30 सेकेंड में, मीटर सड़क को 30 सेकेंड में पार करता है, तो चाल बताना है। जबकि बोल रहा है चाल आपको बताना है किलोमीटर पर घंटा में, ये तो मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, जबकि आपको बताना है किलोमीटर पर घंटा में, तो क्या बोले हैं? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटका से बड़का में जाने के लिए बड़का से गुना करना पड़ता है। बड़का का मतलब क्या हुआ? 18/5 से गुना करना पड़ता है। अब मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुना कर दिए, अब जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर घंटा में आएगा। काटिए तो शून्य से शून्य खत्म, और 3 से 3 दही 30। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 × 2 = 10, और 2 को 18 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर घंटा अब आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में था, हम लोग 18/5 से गुना कर दिए, तो छोटका से बड़का में पहुंचना है तो बड़का से गुना, 18/5 से गुना किए तो कितना आंसर आ गया हम लोग का? 36 किलोमीटर पर घंटा। किस ऑप्शन में है? 3 नंबर ऑप्शन में है 36 किलोमीटर पर घंटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें, संख्या बताएं। अच्छा ठीक है, देखिए 3 संख्या क्या क्या है? 3 है अनुपात, 3:2:5 और 5 के अनुपात में एक संख्या 3 को। ठीक है, और तीनों का वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 1862। यहाँ मत लिखिए, तीनों का वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 1862। ठीक है, देखिए 3 संख्या इतना के अनुपात में है, तीनों का वर्गों का योग इतना दिया हुआ है। अच्छा देखिए, 3 है, 3x मानिए आप, 2 को 2x, कोई दिक्कत ऐसा करने से, 5 को 5x। ठीक है, अब देखिए तीनों का वर्गों का योग 1862 दिया हुआ है, तो वर्ग कीजिए, वर्गों का योग कीजिए। अब 3x है, 3x का वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? 3×3=9x² प्लस उसी तरह से इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? 2x का स्क्वायर कीजिए तो 2×2=4x². ठीक है, प्लस 5x का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? 25x², कोई दिक्कत इतना तक में, 25x². ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13। 9 और 4 13, और 13 और 15 कितना होगा? 13 और 15 कितना होगा? 38। ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़िएगा तो 38 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है सब में तो 38x². अब समझिएगा बात को, 38x². ठीक है, बोला था 3 संख्या इतना के अनुपात में दिया है, तीनों के वर्गों का योग इतना है, तीनों का हम लोग x मान लिए, तीनों का वर्गों का योग किए तो 38x² निकल गया, इसी का नाम मान दिया हुआ है 1862। बोल रहा था तीनों का वर्गों का योग कितना है? 1862 है। अब काटिए तो x² बराबर क्या आ जाएगा? 1862/38। आप यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं। अब देखिए तो 38 को कितना बार 186 लगेगा? 5 बार यदि कीजिएगा तो 8×5=40, 5×15 150, 8×5=40, 190 पहुँच जाएगा, तो 5 बार तो होगा नहीं, 4 बार कीजिए,
चार बार लगाइए तो दो रहने दीजिए, दो में नहीं लगेगा, 186 में चार बार में लगाइएगा तो चार बार में कितना होगा, 38 चौके कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 चौके 32 के दो हाथ में रहा, 3 चतिया 12 और 3 15 152 होगा, 152 हो गया चार बार में, 152 आ गया, हाथ में कितना रह गया 152, 8 60 26 बच जाएंगे, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 26 36 34 और दो इधर है कितना हो जाएगा टोटल 342, ठीक है चार यहाँ लिखे हैं 342। अब 38 से कितना बार में 342 खाएगा, देखिए 10 बार में तो 380 हो जाएगा, 9 बार में खिलाइए तो 38 से 9 में कितना होता है, 9 8 72 का दो हाथ में रहा 7 9 27 27 3 30 और 4 34 342 आ गया, हाँ 9 बार में खा जा रहा है, मतलब 1862 को 38 49 बार में पूरा पूरा काट रहा, आप लोग काट के देख लीजिएगा 1862 को 38 49 बार में पूरा पूरा काट रहा है। तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन लास्ट में, तो बीच वाली संख्या बताया, अच्छा बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाला संख्या यही है 2x, बीच वाला संख्या यही है 2x। तो अच्छा देखिए x का मान देखिए यहाँ पे, अब सॉरी x स्क्वायर का मान 49 आया है, x स्क्वायर का मान 49 आया है तो x का मान कितना आ जाएगा 7, x स्क्वायर का मान 49 आया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 7। तो बीच वाला संख्या पूछ रहा है, बीच में क्या है 2x है तो 2 लिखिए और x की जगह x का मान कितना है 7, अब 2 गुना 7 कीजिए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा आंसर, बीच वाला संख्या कितना आ जाएगा 14, दो नंबर ऑप्शन है, दो नंबर ऑप्शन में क्या है 14 है, क्वेश्चन का तो धुआं धुआं उड़ जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल हम पहले भी आपको बता चुके हैं, देखिए क्या बोल रहा है सवाल, चार नंबर क्वेश्चन है, ठीक है चार नंबर क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नया समूह का औसत क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी रहे, ऐसा सवाल जब भी रहे जो बोले 5 संख्याओं का औसत इतना है, 10 संख्याओं का औसत इतना है और प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए तो 8 से गुना किया जाए, 5 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ऐसा सवाल जब भी रहे आप क्या कीजिए, देखिए देखिए क्या दिया हुआ, 8 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 8 संख्या का औसत दिया हुआ 21 और बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो नया संख्या का औसत क्या होगा, यही ना बोल रहा है। तो यहाँ कुछ भी रहे, यदि कितनों संख्या का औसत कितना भी रहे, ये दोनों कुछ भी रहे, जो भी रहे ये दोनों, यदि 5 का ही औसत 20 रहता है, कुछ भी रहता और उसमें 2 से गुना किया जाए सब में, 8 से गुना करे, 10 से गुना करे तो नया औसत क्या होगा, ऐसा सवाल जब भी रहे तो डायरेक्ट यहाँ औसत कितना है, 8 संख्या का औसत 21 है तो बोला सब संख्या में 8 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, डायरेक्ट इसका औसत में जिससे सबको गुना कर रहा है ना उससे गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। एक बार फिर से सर जी देखिए, यदि यहाँ पे जितना भी जो भी संख्या रहता, 8 संख्या का औसत, 10 संख्या का औसत, इतना कुछ भी रहता, किसी संख्या का औसत इतना दिया जाए उसका औसत से, अब बोले कि सारा संख्या में 8 से गुना, 2 से गुना, 5 से गुना कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा, तो आप जिससे गुना कर रहे हैं सबको, आप औसत जो दिया हुआ रहेगा उसी को उससे गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 168, डायरेक्ट हो जाएगा कितना 168, किस ऑप्शन में है, चार नंबर ऑप्शन में है, यही हो जाएगा आंसर 168। पाँचवा नंबर क्या बोल रहा है देखिए, तो यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो। अच्छा ठीक है, हानि यदि 20% हो, हानि कितना हो 20% हो, हानि यदि 20% हो, हानि यदि 20% हो तो बोला विक्रय मूल्य को किससे गुना किया जाए, किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। अब देखिए तो हानि 20% है, आप समझिएगा सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जितना माल खरीदे हैं, एसपी मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जितना में माल आप बेचे हैं, क्रय मूल्य खरीदे हैं माल बेचे हैं, 20% हानि हुआ है ना, आप 100 मानिए, मानिए कि माल खरीदे हैं 100 में, माल सीपी मतलब, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है क्रय मूल्य जितना में आप माल खरीदे हैं, आप समझिए माल खरीदे हैं 100 में, आप 20% हानि हुआ है बोल रहा है, तो माल मतलब कितना में बेचे हैं आप, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब 80 में बेचे हैं,
एक 20% चूँकि हानि हो रहा है, माल आप समझिए 100 में खरीदे हैं और बेचे हैं 80 रुपया में, तब ना 20% हानि होगा, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि एसपी सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य को 80 है विक्रय मूल्य, 80 को किस भिन्न से गुना कीजिएगा कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए, 80 को किससे गुना कीजिएगा जो 100 प्राप्त हो जाए। अब देखिए तो तीन नंबर ऑप्शन लेके देखिए, 5/4 तीन नंबर ऑप्शन, इसलिए देखिए देखिए 4 सबका नीचे 5 था, अब 5 से काटिएगा तो देखिए 5 × 5 = 3 = 16 होता है, ठीक है, ऐसे तो आता ना, 4 से डायरेक्ट काटिएगा ना तो देखिए 4 से डायरेक्ट 20 × 80 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 4 देखिए 80 विक्रय मूल्य को किस बिन से गुना कीजिए जो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए, तो 80 को यदि 5/4 से गुना कीजिए तो देखिए 4 × 2 = 8 = 20, अब 20 × 5 कितना हो जाएगा 100। 80 को किस भिन्न से गुना किए जो क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य 100 था 100 निकल गया, 80 को 5/4 से गुना किए तो क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य 100, किस भिन्न से गुना कर रहा है तीन नंबर ऑप्शन, देखिए तीन नंबर ऑप्शन वाला से गुना किए हैं, 5/4 से गुना किए हैं एसपी को तो सीपी निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है। देखिए हम आपको आज का 5 क्वेश्चन मैथ का बता चुके हैं, हम पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक आपको मैथ का बताते हैं और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं। हम लोग मैथ का 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं जो कि 5 अलग चैप्टर से रहता है, अब आइए रीजनिंग का 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो 5 अलग चैप्टर से रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है, ठीक है, फिगर बना हुआ है, फिगर हम बना देते हैं, फिगर बना हुआ है, बोल रहा है इस त्रिभुज में, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए कैसा फिगर है, ये बीच में है डंटी, आप समझिए थोड़ा सा टेढ़ा टूढ़ी होगा तो ठीक है, यही ना फिगर है, और एक जगह है कहाँ पे, ये पॉइंट पे, अच्छा पॉइंट तो उल्टा सीधा कटा गया है, पॉइंट तो यहाँ होना चाहिए था, एक सामने में पॉइंट होना चाहिए था, ये आप इस तरह से समझ लीजिए, इसको मिटाइए, ठीक है। बोल रहा आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ पे कटा हुआ है, अब देखिए आकृति में बोल रहा है कितने त्रिभुज है, अच्छा देखिए तो इसको देखिए 1 2 आकृति में कितने त्रिभुज है, देखिए 1 2 1 2 यहाँ है, एक दोनों को लीजिएगा कोई दिक्कत, 1 2 2 उठो ये हो जाएगा, एक ये 1 1 2 हो जाएगा, एक पूरा को लीजिएगा, यहाँ से निकलेगा 3, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 1 2 एक पूरा को लीजिएगा 3 हो जाएगा, ऊपर देखिए ऊपर भी लीजिएगा 1 और 2 एक पूरा लीजिएगा, ऊपर भी 3 निकल जाएगा कोई दिक्कत, अब देखिए 3 और 3 6 हो जाएगा, 1 ये वाला होगा 7, 1 ये वाला होगा 8, 1 ये वाला होगा 9, 1 ये होगा 10, 10 निकल चुका है क्या, अब देखिए आप ये बीच में जो यहाँ टाने देखिए 10 हो गया है, अब यहाँ जो टाने मोटा करते 10 हो गया, ये वाला ये और ये होगा 11, एक ये वाला होगा मोटा कर रहे हैं, एक ये होगा 11, एक ये होगा, एक बड़ा वाला होगा 11, एक ये बड़ा वाला होगा पूरा, समझ रहे हैं आप, 11 × 1 = 12, ये बड़ा वाला होगा 12, अब इधर भी तो बनेगा, अभी चिन्ना काटा हुआ, देखिए एक ये बनेगा 12, एक ये बनेगा 13, एक ये बनेगा 13, एक बड़ा वाला बनेगा 13 और 1, एक बड़ा वाला बनेगा 14, आप लोग निकाल के देख लीजिए कि त्रिभुज में आकृति में कितने त्रिभुज, पूरा 14 आप लोग निकाल के चेक कर लीजिए, 14 ही आंसर सही है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, तीन नंबर ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 14, आकृति में कितने त्रिभुज है, 14 त्रिभुज है, तीन नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 × 2 × 4 बराबर कितना दिया हुआ है, 212, ठीक है, उसके बाद कितना है, 5 × 6 × 6 × 8 बराबर कितना दिया हुआ है, 654, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो पूछ रहा है 3 × 7 × 2 बराबर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। देखिए अब आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा मेरा, 1 × 2 × 4 बराबर इतना लिखा है, 5 × 6 × 8 बराबर 654 लिखा गया, तो 3 × 7 × 7 × 2 बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा, देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, आप लोग पहले अपना दिमाग लगा लीजिए क्या हो रहा है, देखिए तो ये एक को इधर जाके बीच में लिखा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले वाला एक को यहाँ जाके बीच में लिखा है, समझे, पहला एक को यहाँ जाके बीच में लिखा है, बीच वाला को पहले लिखा है, समझ रहे हैं आप बात को, पहला वाला एक को इधर जाके बीच में लिखा है और दूसरा वाला बीच में दो है उसको पहले लिखा है, और ये लास्ट वाला का लास्ट में 4 है, 4 में 2 से भाग दे दीजिए 2 हो जाएगा, इसको 2 से भाग दे के लास्ट में लिखा जा रहा है, आप समझे एक बार फिर से सर जी, ये पहले वाला एक को इधर जाके बीच में लिखा है, दूसरे वाले दो को पहले लिखा है, और तीसरे वाले को 2 से भाग दे के 4 है, 4 से 2 से भाग दे के लास्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है,
इधर भी वही होगा, पहले वाले को बीच में लिखा जाएगा, दूसरे वाले को पहले लिखा जाएगा और लास्ट वाले को दो से भाग देके, आठ है, आठ में दो से भाग दीजिएगा तो चार होगा, लास्ट वाले को दो से भाग देके लास्ट में लिखा जाएगा, चार है ना। उसी तरह से आंसर क्या होगा, बोला क्या जा रहा था, पहले वाले को बीच में लिख दिए, दूसरे वाले को पहले लिख दीजिए सात, और आखिरी वाले को दो से भाग देके लिखा जाता है, दो है, अब दो में दो से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, एक, जितना आता है इसको लास्ट में लिखा जाता है, क्या हो जाएगा आंसर वाट की जगह में 731। किस ऑप्शन में है, तीन नंबर ऑप्शन, देखिए तीन नंबर ऑप्शन में क्या है, 731, यही आंसर हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आठ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई वर्ड दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, R I V A L R I E S, ये वर्ड दिया हुआ है, बोल रहा है क्या कि वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता मतलब समझिए, चारों में से ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है, चारों का कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है, चूँकि बोला नहीं बनाया जा सकता। देखिए दो टाइप का इसमें क्वेश्चन रहता है, एक बोलेगा बनाया जा सकता है प्रयोग करके, एक बोलेगा नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता का मतलब क्या होगा, चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे होगा, और नहीं बनाया जा सकता का मतलब चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। आइए चेक करते हैं, पहला नंबर ऑप्शन क्या है, RIVAL, पहला ऑप्शन क्या है, RIVAL। अब देखिए तो इसको चेक करके है क्या पूरा अक्षर यहाँ पे, RI है, VA VAL भी है, इसका तो पूरा अक्षर यहाँ पे है, और क्या बोल रहा है, ऐसा अक्षर चारों में से ऑप्शन चुनना है जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, RICE, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, RICE। आइए तो चेक करते हैं, RI है, हाँ RI है, सी देखिए तो इसमें कहीं भी आपको सी दिख रहा है क्या, हमको तो नहीं दिख रहा, आप अपना चेक कीजिए, सी देखिए तो इसमें सी कहीं भी दिख रहा है क्या, सी कहीं नहीं दिख रहा है, यही तो हम लोग को निकालने बोल रहा है कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। दो नंबर ऐसा ऑप्शन है जिसका एक अक्षर सी जो है यहाँ पे कहीं नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर, दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, राइस का पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पे नहीं है। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए तो, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइन नंबर क्वेश्चन है, टी है आर है ओ है एम है जे है और क्या है एच है, तो बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा, वाट क्या होगा, ठीक है। आप देखिएगा ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, टी है, आर है, ओ है, एम है, जे है, एच है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए एच में देखिए तो एच आई जे, एच में दो बढ़ाइए तो एच में दो बढ़ा रहे हैं तो जे हो रहा है क्या, देखिए तो एच आई जे, एच में दो बढ़ा रहे हैं तो जे हो रहा है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये जे है एच है, क्योंकि यहाँ बोर्ड थोड़ा सा नहीं दिखता, पता नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वाट है, ठीक है, एच है यहाँ पे, एच नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, एच है, एच में दो बढ़ेगा कितना हो जाएगा, जे, जे में देखिए तो जे के एल एम, जे में तीन बढ़ेगा, जे में तीन बढ़ेगा तो एम है, यहाँ दिख रहा है वाट है, ठीक है, जे में तीन बढ़ेगा तो एम होगा, ठीक है, जे के एल एम। उसके बाद देखिए एम में एम एन ओ, एम में दो बढ़ेगा तो ओ होगा, ओ में फिर देखिए तो ओ पी क्यू आर, ओ में तीन बढ़ेगा तो आर होगा, फिर आर में एस टी, आर में दो बढ़ रहा है तो एस टी हो गया, क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो बढ़ा तीन बढ़ा, दो बढ़ा तीन बढ़ा, दो बढ़ा क्या बढ़ा, दो बढ़ा तीन बढ़ा, दो बढ़ा तीन हो रहा है, तो यहाँ दो बढ़ा था, उससे पहले क्या बढ़ेगा, तीन बढ़ेगा, तीन बढ़ेगा तब ना, तीन बढ़ा दो बढ़ा तीन दो इस तरह से होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊ रखिएगा, जिसमें तीन बढ़ाइएगा तो एच होगा। देखिए तो किस ऑप्शन, आप ई रख के देखिए, चार नंबर ऑप्शन देखिए तो आप ई रखिए, यहाँ पे वाट की जगह पे क्या रखिए, ई रखिए, अब ई में तीन बढ़ाइए तो ई एफ जी एच, ई में तीन बढ़ाइए कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, वाट की जगह पे क्या हो जाएगा आंसर, ई हो जाएगा आंसर, ई में तीन बढ़ाइए तो एच हो जाएगा, ई एफ जी एच। ई किस ऑप्शन में है, चार नंबर ऑप्शन देखिए, चार नंबर ऑप्शन में है ई,
ई हो जाएगा आंसर, चार नंबर ऑप्शन। देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन देखिए। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है? एशिया है। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है? एशिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कनाडा है। एशिया है, कनाडा है। तीसरा ऑप्शन क्या है? यूरोप है। एशिया है, कनाडा है, यूरोप है। और चौथा ऑप्शन क्या है? अफ्रीका है। देखिए एशिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूरोप है, चौथा क्या? अफ्रीका है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है भिन्न को चुनिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चारों में से भिन्न को चुनिए या विषम को चुनिए या अलग को चुनिए। मतलब ये चारों में से कि तीन किसी प्रकार से सेम है, एक अलग है, आपको वही बताना है एक कौन सा अलग है। आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहले आप लोग खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब क्या है? महादेश है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब क्या है? महादेश है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब महादेश है। जबकि कनाडा महादेश है क्या? कनाडा महादेश नहीं है, कनाडा तो एक देश है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों सेम हुआ, ये तीनों महादेश है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका महादेश है, जबकि कनाडा महादेश नहीं है। यही विषम हो जाएगा, दो नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक हम आपको पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं, जो कि 5 अलग चैप्टर से रहता है। और 6 से 10 तक 6 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, जो कि 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग समझिए ना, रोज मेरे साथ 10 चैप्टर सॉल्व कीजिए, सिर्फ संडे को छोड़कर। इसलिए आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग 10 क्वेश्चन ना पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन दिखेगा। आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।